गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आज हम लोग जो बोलेंगे वही बनेगा टिफिन में। तो मैं भी सोची चलो ठीक है, रोज़ तो मैं अपने मन का बनाती ही हूँ, आज बच्चों के मन का बना देते हैं। तो एक ने कहा ब्रेड पकौड़ा बनाइए, दूसरे ने कहा आलू के पराठे, तीसरे ने क्या बोला, तीसरे ने बोला सैंडविच चाहिए। तो मैं कही चलो ठीक है, सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ। तो मैं आलू तैयार कर ली, आलू को उबाल के फ्राई कर ली और उसी आलू से सैंडविच भी बन गया, ब्रेड पकौड़ा भी बन गया और ये बन रहे हैं आलू के पराठे। मेरे बेटे को आलू के पराठे पसंद हैं तो लास्ट में मैं उसके लिए बना रही हूँ। और बस स्कूल का टाइम हो गया था, बच्चे हो गए थे रेडी, बस जल्दी जल्दी से करना था, लेकिन आज तीनों के मनपसंद का बना, तीनों बहुत खुश हुए। तो सबकी टिफिन रख दी, सब लोग अपना अब जा रहे हैं। लास्ट में यही पराठे बना रही हूँ, सबके लिए बन गया, मैं अपने लिए दो सेक रही हूँ। टिफिन रख लो, हाँ आज तो बना है ना मनपसंद। हाँ रोज फरमाइश है इन लोग की, आज ये आज वो, या सुबह ये नहीं सोचते हो कि टाइम मिलता है कि नहीं, इतना कम टाइम रहता है उसमें कैसे बनेगा देख। हाँ तो इसीलिए तो बन गया है दोनों लोग की फरमाइशों का। बाय। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी नहा वहा की पूजा उजा करके नाश्ता पानी करके हो गई हूँ फ्री। फ्री क्या हो गई हूँ, अभी दोपहर का खाना भी बनाना है। और ये आप देख रहे हैं ना सोफा कवर जो मैं कल धुली थी वो अभी सूखा नहीं है, क्योंकि कल जैसे ही मैं धुल के डाली छत पे वैसे ही बारिश शुरू हो गई और पूरे दिन थोड़ी थोड़ी होते रही, तो फिर वो सूखा नहीं। आज धूप हुई है तो आज मैं डाल दी हूँ। धूप हुई है लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई है, आज भी मौसम खराब ही है, लेकिन सूख जाएगा तो सूख जाए तो मैं ला के सब लगा दूंगी, सब ऐसे ही पड़ा है। तो उसके बाद मुझे खाना बनाना है, सोच रही हूँ क्या बनाऊं दोपहर के खाने में। और बच्चे तो भाई आज बहुत खुश हो गए हैं, खुश क्यों नहीं होंगे, उनकी मनपसंद का जो बना है आज। तो होता है कभी कभी बच्चों के मनपसंद की बना देनी चाहिए कभी कभी। और फिर मैं आ गई किचन में, अब दोपहर का खाना बनना है क्योंकि ये बच्चों का आने का भी टाइम हो रहा है और ये भी ड्यूटी से आएंगे। तो बस अब फिर लग गए किचन में, किचन से कभी छुट्टी नहीं मिलने वाला है। सही बात है, हम लेडीजों को बस किचन ही दिखता है हर वक्त, क्या बनाना है सुबह हो तो वो सोचो कि क्या बनाए खाने में, क्या बनाए नाश्ते में, फिर शाम को वही। तो बस लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ। और दाल चावल सब्जी में, हाँ दाल चावल बन गई है, सब्जी बन रही है, मिक्स वेज बना रही हूँ मैं। आज सब्जी ज़्यादा नहीं थी मेरे यहाँ, थोड़ी थोड़ी बची थी, जैसे शिमला मिर्च थी थोड़ी सी, मशरूम था, मटर था और टमाटर गाजर ये सब था, तो सब मैं मिक्स करके और बना दी हूँ। रोटियां भी सीख गई, मैं जा रही हूँ कपड़े लेने छत पे, कपड़े उठा लिए सब, कल जो मैं धुली थी ना वो सारे कपड़े हैं, आज सूखे हैं फाइनली। और आज भी मौसम ना खराब ही लग रहा है, मुझे लगा बारिश आएगी तो मैं सोची चलो उठा लाते हैं, नहीं तो पता चले भीग जाएगा। तो ये सोफा कवर है तो मैं इसको आगे वाले रूम में रख दूंगी, अभी लगा देंगे, पहले इसको फोल्ड कर दे फिर उसको लगाएंगे। रख के मैं आ गई और इसको सब फोल्ड कर दे, बहुत सारे कपड़े, और जो आज वाले कपड़े हैं ना वो अभी मैं छत्ती पे छोड़ दी हूँ, गीले थे वो, अगर देखेंगे बारिश तेज आएगी तो हटा लाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे वहीं सूखता रहेगा। और खाना बन गया है, दाल चावल सब्जी रोटी सब बन गई है, और अब देखिए बस आने ही वाले हैं बच्चे, तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर दूं तब बच्चे आ जाएंगे, और उसके बाद से सबको खाना वाना खिला के सारा काम निपटा के किचन का, फिर मैं आ गई अपना सिलाई करने। तो ये सूट बना रही हूँ मैं येलो कलर का, तो ये आधा सिल गया है, बस साइड का ये सिलना है, आस्तीन लगानी है, कॉलर लगाना है, तो इसको जल्दी से लगा लें और सिल लें, फाइनल कर दें। उसके बाद से आज शाम को निमंत्रण भी मिल गया है, मेरी जेठानी रहती हैं यहीं पास में, थोड़ी दूर पे उनका घर है, तो उनके यहाँ आज दावत है, उनके यहाँ जानी है, मतलब ऐसे खाने पे बुलाई हैं हम लोग को, तो उनके यहाँ उनकी बेटी आई है, उनकी बेटी मतलब बड़ी है, आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में पहले के, तो वो दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली से आई है, तो उसका आज बर्थडे है, तो वही बुलाई हैं कि आ जाना सब लोग, तो वही फिर हम लोग जाएंगे। तो मैं सोची लाओ जल्दी से ये कपड़े उपड़े सिल लेते हैं, उसके बाद से चलते हैं। तो बस चलते हैं अब उनके यहाँ, तो बस निकल गए हम लोग घर से, बस पास ही नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ हम लोग दुकान पे रुके हैं, कुछ मीठा ले लिया जाए बच्चों के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ने चॉकलेट ले लिया है, बच्चों को तो चॉकलेट ही पसंद आता है। और इसके बाद बस चलते हैं उनके घर, और यहाँ तो बच्चे आके बस ये जो डॉगी है ना इसका इनू नाम है, बस इसी में लग जाते हैं, आप देखो कैसे खेल रहे हैं बच्चे इसके साथ, बहुत ही खेलते, ये भी बहुत प्यारी है ना, बहुत क्यूट सी है, और ये भी बच्चों को देख के ना खुश हो जाती है, जब कोई जाता है ना तो बहुत खुश हो जाती है, जब आने लगो ना तो मुंह लटका लेगी। अब केक कटने जा रहा है। अरे मेरी देख लो।
हैप्पी बर्थडे दीदी हिटलर है वो वही खाएगी हिटलर हम तो नहीं खाएंगे वेफर वो इन्होंने खाएगी वेफर ला दे देते हैं फिर दे दे कहाँ तराम हमसे की लिखो ले ये ऐसा ही में लिखवा दिया ले भाई ये पापा पापा काज ब्रत हाँ उसके हिसाब से चल रहे हैं खाओगी कि नहीं खाओगी रिजेक्टेड खाने पहले टूट पड़ी ना ना डुगू ना अरे कंट्रोल कंट्रोल डुगू कंट्रोल।